सबसे बड़ी खबर, भारत और रूस के बीच हथियारों की हुई बड़ी डील। अमेठी में लगेगा हथियार बनाने का कारखाना। इस कारखाने में बनेगी AK-47 की सबसे अपग्रेडेड वर्जन राइफल्स। दोस्तों, आपको इस खबर से जुड़ी और भी जानकारी मिलेगी। उससे पहले आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी खबर की ओर। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच में रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया है, क्योंकि चीन अभी भी पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आपकी जानकारी को बता दें कि रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस ने भारत के मेक इन इंडिया मिशन के तहत आज एक नई मिसाल कायम की। रक्षा सूत्रों की जानकारी के मुताबिक दुनिया की सबसे खतरनाक असॉल्ट राइफल AK-47 का सबसे अपग्रेडेड वर्जन AK-47-203 असॉल्ट राइफल भारत और रशिया क्ल्यूशन कंपनी और भारत की ओयोबिक कंपनी संयुक्त रूप से भारत में ही बनाएगी, जिसके लिए आज नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस ऐतिहासिक कार्य की सबसे बड़ी डील हुई। जानकारी के मुताबिक भारत और रशिया के इस जॉइंट एडवेंचर में लगभग 7 लाख असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा। AK-47-203 असॉल्ट राइफल को बनाने का प्लांट अमेठी में लगेगा। इसमें फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर और स्मॉल गन फैक्ट्री मुख्य रूप से इन कंपनियों की बंदूकों को बनाएंगी। इससे आयोबिक के बेरोजगार कर्मचारियों को काम मिलेगा और देश का पैसा देश में ही निवेश होगा। वैसे तो रसिया ने कहा है कि वे भारत के साथ AK-47 की थर्ड जनरेशन की राइफल AK-47-203 बना रहा है। आपकी जानकारी को बता दूं कि ओयोविक के मैनेजिंग डायरेक्टर गगन चतुर्वेदी के मुताबिक हम सेना को हर साल 75,000 AK-47-203 असोल्ट राइफल दे सकेंगे। यह भी भारत और रसिया के ब्रह्मोस ज्वाइंट एडवेंचर की तरह ही, ना कि इन राइफल्स को भारत में ही बनाया जाएगा बल्कि राइफल्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, जिससे भारत को मोटा मुनाफा होगा। आपकी जानकारी को बता दें कि AK-47-203 का मैगजीन भी AK-47 की तरह ही है, लेकिन यह नई असॉल्ट राइफल AK-47 की तुलना में कई गुना सटीक निशाना लगा सकती है। साथ ही इन नई राइफल्स में AK-47 की तरह ही ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मोड दिए गए हैं। एक बार इन राइफल का ट्रिगर दबा दिया तो गोलियां रुकने का नाम नहीं लेंगी। ये नई राइफल 3 फुट तक लंबी और 4 किलो तक भारी है। इस राइफल से 1 मिनट में 600 गोलियां दागी जा सकती हैं, मतलब 1 सेकंड में 10 गोलियां दागी जा सकती हैं। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 400 मीटर के दायरे में है, ताकि कोई नया सिपाही भी इससे बड़ी आसानी से सटीक निशाना लगा सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।